हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं जो कि एक सुपर ग्लोई लुक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है एंड हमारे लिप्स को, तो हमने ये कर लिया है। और अब हम यूज़ करेंगे फेस के लिए एक ग्लोसी लुक तो हमको क्रिएट करना है, उसके लिए हम इल्यूमिनेटर यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको एक ग्लोसी लुक क्रिएट करना है जिसके लिए हमको फर्स्ट में एक इल्यूमिनेटर लगाना पड़ेगा, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का। ये इल्यूमिनेटर प्लस प्राइमर है। आप देख सकते हैं मैंने जो इल्यूमिनेटर यूज़ किया है उससे मेरे फेस पर कितना शिमरी लुक आ रहा है। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। मैं फाउंडेशन एलेगर का यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। आप देख सकते हैं मैंने मेरे पूरे फेस पर डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। अब हम इस फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एले गर्ल का प्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट कर लिया है सेटिंग पाउडर से। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमको आईलिड पर एज अ बेस कंसीलर यूज़ करना है। मैं यहाँ पर कंसीलर भी एले गर्ल प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। हम हमारे आई बेस को अच्छे से सेट कर देंगे। मैं आई मेकअप के लिए हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट यूज कर रही हूँ। मैं इसमें से शेड पिक कर रही हूँ रेस्क्यू। और प्लफी ब्रश की हेल्प से इसको मेरी पूरी आईलिड पर ब्लेंड कर दूंगी। को अच्छे से डार्क शेड कर दिया है। अब मैं मेरी लीड्स के ऊपर ये एकदम लाइट सा डोल फेस करके शेड है, ये मैं यूज करूंगी। अब मैं मेरी लीड्स के ऊपर पिंक डायमंड नाम का एक शेड लगाऊंगी। देख सकते हैं मैंने मेरे लिड्स का मेकअप ऑलमोस्ट डन कर लिया है। अब हम हमारी आई लैशेस को कर्ल्स करेंगे। अब हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। मैं आईलाइनर कलर क्वीन का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मेरी आईलाइनर कंप्लीट कर ली है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मैं मेरी लो वाटर लाइन के नीचे एक लाइटली स्मोकी लुक क्रिएट करूंगी। अब मैं वाइट काजल अप्लाई करूंगी जो कि मैं यूज कर रही हूं किको की। आप देख सकते हैं मैंने मेरा आई मेकअप कंप्लीटली डन कर लिया है। अब हम हमारी आईब्रोज को फिल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मेरी आईब्रोज को तो अच्छे से फिल कर लिया है,
बट हम इसको थोड़ा सा ब्रश कर देंगे। हमने हमारे आईब्रोज को कम्प्लीटली डन कर लिया है। अब हम हमारे आईब्रोज को अच्छे शार्प लुक देने के लिए कंसीलर का यूज करेंगे। हमने हमारे आईब्रोज को शार्प लुक दे दिया है। अब हम हमारे फेस के जो भी हाई पॉइंट्स हैं उनको कंसीलर से हाईलाइट करेंगे। मैं कॉन्टोर के लिए भी एलेगर का प्रो कंसील यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबसे पहले मैं कॉन्टोर को ब्लेंड करूंगी, फिर मैं कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। अब हम हमारे कंसीलर को अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम हमारे फेस पर मेरा फेवरेट पार्ट यानी ब्लश लगाएंगे। मैं ब्लश यूज कर रही हूँ फॉरएवर 50 जर्मनी का। अब हम हमारे फेस को अच्छे से हाईलाइट करेंगे क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं ग्लोसी लुक। मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल। अब मैं थोड़ा क्रीम हाइलाइटर का भी यूज कर रही हूँ। मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ उषाज मेकअप फॉरएवर। हमने हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। मैंने आउटलाइन में थोड़ा सा डार्क कलर लगाया है। मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज की है हुडा ब्यूटी की लिक्विड मैट। एंड मैं लिप्स के इनर के लिए थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब इन दोनों कलर को मैं अच्छे से साथ में ब्लेंड कर दूंगी मेरे फिंगर की हेल्प से। मैं इस पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए एक सेटिंग स्प्रे का यूज कर रही हूँ। ये है मेकअप रेवोल्यूशन प्रो। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें।